मम्मी मर गया, इधर भी मम्मी ने मूली के सरेले सरेले पराठे टूट टूट के खिला दिए, लगता है पेट में गुड़गुड़ होने लगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार ये धनु भाई सड़ेली मछली जैसी बात आ रही है ना कहीं से, लेकिन आ कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? मेरे तो एल गए। सूत्रों के हवाले से अभी अभी एक ताजा खबर निकल कर आई है कि टकलू पेटूराम नामक युवक की मम्मी ने उसे चूस चूस कर खिलाए थे मूली के पराठे, जिससे उसके पेट में हुई जोरदार गड़बड़ और पिछवाड़े से निकली सड़ेली पार, जो धनु भाई और डंगली भारती नामक दो युवतियों पर कहर बनकर टूटी और वो दोनों सीधी इस दुनिया से ही टपक गई। भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हम चटोरे जिस रूम में रहने वाले हैं ना, उसकी कितनी भी तारीफ करूं, मतलब क्या ही तारीफ करूं? तो रहने दो फिर। वो इतना ज्यादा सुंदर, प्यारा, खूबसूरत, बेहतरीन। कौन सी शादी गई थी? शादी का दिन होगी, रूम भी खाओगी जब भी गई थी। तो यार दिल थाम के बैठो, चलो फटाफट दिखाते हैं आप सभी को अपना प्यारा सा रूम। गोदी उठाते उठाते तो मेरी बॉडी निकल जाएगी। वाह वाह कितना सुंदर सा रूम है ना हमारा। हाँ भैया देखो कितना प्यारा सा रूम है ना। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। सुंदर है इधर तो देखो, थोड़ा सा ही गंदा है चलेगा। कुत्ता भी कहीं रहता है तो साफ करके रहता है। बंदा भी यार सुझो कर लेता उसके ऊपर। ये लो भैया धनु भाई और टकलू भैया, ये दोनों मस्त इस रूम की अच्छे से साफ सफाई करेंगे। तब तक यार मैं थोड़ा सा ना आराम A few moments later. क्योंकि यार हम चारों चटोरे ठहरे तो एक नंबर के घूम कर घोड़े बेच कर सोने में तो बड़ा ही मजा आता है ना।
ना, इसलिए सबसे पहले हमने अपने बैग को ही सेट कर लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उधर भी बड़ा बुझाता है, और देख इधर यही देखो। अरे भाई छोटू रे, कूदते कूदते कहीं खटिए की बेल बज गई ना, तो मम्मी हमें खटिया बना देगी मार मार कर। अरे तू जा रही कूली बुला दिया। ओ कूली चटोरे, चलो फटाफट ले चलो। ये देखो ये टकली भैया का तो मुंगी डांस चालू है, रास्ते में नागिन की तरह थिरकने लगता है। हाँ भैया, तुम्हारे चेहरे पर पोछे मारने की जरूरत है, लेकर आ जाओ। दोनों एक नंबर के बंदर है। ठीक है खेलो जाओ। चंडाल को खेलने देते हैं इसके मुन्ना के साथ। चंडाल बैठेंगे। चलो ये देखो टकलू पेटू राम भैया तो अपने जितने भी सारे खिलौने हैं सब हमारे रूम में लेकर आ गए हैं। इन्हीं से फटाफट इस पूरे रूम को ना डेकोरेट कर देते हैं। कैसा घर है भाई मुन्ना का? ये देखो सच में भैया इस ढंगरे के स्क्रू ढीले हैं। मुन्ना की साइज देखो, अपने घर की साइज देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबसे पहले है इस रूम में इस छोटा सा प्यारा सा बैग, जिसे उठाने में शायद आपकी पॉटी भी निकल जाए। इसके ऊपर आप आराम से ऐसे लेट कर कुमकरण की तरह घोड़े बेच कर सो भी सकते हैं। और अगर दिल चाहे तो मेरी तरह नागिन नाच भी कर सकते हैं। चक्कर में इस छोटे से खटिए की बैन न बन जाए, वरना फिर मम्मी मार मार कर मेरा ही कुछ उपाय बना देगी। जैसे टकलू भैया कुमकरण है, ठीक उसी तरीके से उसका मुन्ना भी कुमकरण यहीं पर लेटा हुआ है। टकलू भैया का ये करेला मुन्ना रहा, इतना प्यार वो टकरा मुझसे नहीं करता है, उसे कहीं ज्यादा प्यार तो इस करेले इस करेले सारे मुन्ना को लगता है। मुन्ना पता है मार मार कर मार मार कर मार मार कर मुन्ने की चटनी बना डालू, कुछ और ही बना डालूंगा। नहीं भैया, अच्छे से रख देती हूँ मुन्ना राजा को, अगर टकलू भैया ने देखा ना तो चाटे मार मार कर मेरा ही गाल सुझा देगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सारा तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। यार मैंने सोचा कि क्यों ना बैक साइड को थोड़ा सा सजा देते हैं। तो टकलू भैया का हाथी जो
चोरी थी ना। वो चोरी से चुपके चुपके चोरी करके यहीं पर सजा दी। हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर ने जो गिफ्ट भेजा था, ये प्यारा सा हैंपर, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। सभी का प्यार यानी ये सिर्फ प्ले बटन में यहीं पर लगा दिया। अरे नंबर क्यों बेकार है, अपनी चीजें सजा नहीं सकती थी। मेरा भी तो चाहिए भाई, मेरे पास क्या था। ए मैम चले, मैं अगले को दे दियो। अच्छा भैया, ये सारे का पेपर है भैया, यहीं पर बैठ कर पेट पूजा करने लगा। सारे को पहले फेंकते हैं। आपको मेरी तोड़ डाली, हमारे तोड़ डाली। यार इस साइड वाले एरिया में ना बहुत सारे कूड़े करकट कचरे, मतलब जितने भी सारे भंगार थे ना, सब यहीं पड़ते, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसलिए बड़े से है ना पड़ने वाले प्लास्टिक से हमने इसे अच्छे से ढक दिया। और यहाँ पर स्टब्लू भैया का गर्मा गर्म पानी भी है। चलो भैया, और इधर कूड़े करकट पे ना स्पेशल मैंने एक नहीं बल्कि दो दो झाड़ू रखे हैं, एक धनु भाई के लिए और एक टकलू भैया के लिए। अगर इन चटोरों में से किसी ने भी कोई भी बदमाशी की ना, मारकर और मारकर और मारकर चटनी बना दूंगी, इसका भी और इसके मुन्ने का। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इस सेकंड वाले चेयर में हमने रखी है ढेर सारी किताबें, कॉपियां और कुछ स्टेशनरी का सामान, क्योंकि आज चैलेंज के साथ साथ स्टडीज भी तो इम्पोर्टेंट है। कुछ तो बनते नहीं है दीदी, चल मैं गुलगुल लेते आते हैं। गुलगुल हम नहीं आते हैं, धन्नो भाई का फेवरेट। क्या करे बेचारी ठहरी, तो वो चुड़ैल अपना ये सरेला सा थोपड़ा भी तो छुपाना है। मेरा हाथ भी चट कर जा, ये लो ठूस ठूस। और सुन मेरी, तो इस साइड वाले एरिया में ना यार बहुत सारे कूड़े करकट, मतलब बहुत ज्यादा ही कचरे थे। इसमें ना सम चटोरों